तो अभी अभी मुझे एक कॉल आया था मेरे गूगल से, किसी ने मेरा नंबर निकाल कर एक बर्ड को कुछ 3-4 कौवे परेशान कर रहे थे और लोकेशन है हैकेश जो विच इज़ हार्डली 4-5 किलोमीटर्स अवे। तो मैं जाके देखता हूँ कि बर्ड कौन सा है, और जिसने मुझे बोला है कि यार कौवे ने उनको बहुत थोड़ा नुकसान पहुँचाया है, खुदा ना खास्ता, और कौवे ने उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया होगा। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और ये भाई थे, इन्होंने मेरे को बताया था। तो कभी मिला था ये? ये मुझे आधे घंटे पहले कुछ मिला, काफी सारे कौवे तंग कर रहे थे, तो मैंने किस साइड था, झाड़ के पास था, कैसे कैसे उसे नीचे उतारा अंदर, उसके ऊपर ये गोनी डाल दिया। तो कौन सा थोड़ा सी हर्ट हुआ है वो, उसको कुछ ब्लड ब्लड थे कि गिर गया था, खुद से गिर गया था? मैंने उसको झटका मारा तो गिर गया, उसका पीछे का टेल थोड़ा निकल गया। ओके। अब देखिए, इन्होंने इसके ऊपर थोड़ा गोनी तो डाल दी थी, एक काम करना है, इसके लिए मुझे बॉक्स लाने की ज़रूरत है। इसने बाइट कर लिया, ब्लड को बच्चा रहा है वो, तो रुकिए मैं एक काम करता हूँ। भाई बॉक्स मिलेगा क्या? कहीं देखिए, आपने अगर कभी कोई बर्ड को रेस्क्यू किया है तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप है ना बर्ड को सबसे एक सेफ एनवायरमेंट, अगर आपके पास केज है, छोटा केज या कॉरोगेटेड बॉक्स, ये थोड़ा सेफ रहता है। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले बर्ड को ना एक ठंडे और शांत माहौल में आपको शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जल्दी से होल बनाना है ताकि इसको वेंटिलेशन रहे। मैं चाबी से काम ले रहा हूँ और कुछ है नहीं अभी, ज़्यादा बड़े नहीं करना, सिर्फ वेंटिलेशन होना चाहिए। देखिए बर्ड ये टाइम पर ना सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आउट होता है, ये टाइम पर बर्ड डिहाइड्रेट भी बहुत होता है। सबसे पहले बर्ड को आपको कूल डाउन करना है। कूल डाउन कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले उठा के आपको एक कोई भी शांत ठंडी और अंधेरी वाली जगह में शिफ्ट कर दो। बर्ड बहुत घबराया हुआ है क्योंकि इसको प्रेडेटर जैसे कौवे लोग ने परेशान किया है। अभी फिलहाल शांत है, इसको मैं बॉक्स में अच्छा, बर्ड्स के फुल विंग्स भी हैं, टेल उसकी शायद डैमेज हो चुकी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, शायद कौवे के साथ चीना चपटी में ये टेल इसकी निकल गई होगी। पुअर बर्ड, मुझे लग रहा है शायद ही किसी के घर पे ब्रीड हुआ हुआ है और सडनली फ्लाई करना सीखा होगा तभी वो निकला होगा। और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर या पाव किलोमीटर से ज़्यादा के दूर का नहीं होगा। सो देखते, चलिए घर पर लेके आके इसको देखते हैं। अभी आपको क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, इनकेस अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुए, आपको कोई पिजन कोई भी बर्ड मिले, सबसे पहले आप बर्ड को ट्रांसफ़र करिए एक डार्क और वेंटिलेटेड एरिया में ताकि बर्ड स्ट्रेस होना थोड़ा कम हो। आपको दिखाता हूँ मैं, आइए ये देखिए, अभी ये चुपचाप बैठा हुआ है। और मेरे हिसाब से ये बर्ड मुझे 3-4 महीने का एक लग रहा है, इसकी टेल सब उड़ चुकी है, ठीक है? स्ट्रेस आउट बर्ड है, इसको थोड़ा हम लोग 2-3 घंटा आराम करने देते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम क्या करना है अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले इसकी इंजरीज चेक करनी है। मैंने अभी इसको देखा और ये बर्ड बाइटिंग बहुत अच्छी खासी कर रहा है। अगर आप इफ़ यू कैन कम क्लोजर देखना, ये बर्ड डर रहा है, जिसका मतलब ये बर्ड टेम नहीं है। और मैं खासकर देख रहा हूँ, मैं इसको कपड़े से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे बर्ड के पैर में कोई रिंग नहीं है, तो मतलब ये होम ब्रीड बर्ड है, जिसने रिंग डालने की, जो भी इसका ब्रीडर है या घर में ओनर होगा, रिंग नहीं पहनाई। सेकेंडली, आप थोड़ी सी हल्की सी इंजरी यहाँ मेरे को लग रही है, मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाऊंगा और सबसे पहले इसका मैं थोड़ा सा पानी पिलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कभी इसको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। आपके घर में मैं नॉर्मली ऐसे देखिए पानी पी रहा है अच्छे से, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है ताकि इसका डिहाइड्रेशन का जो खतरा है ना वो कम हो जाए। इसको फिर से कम 1.5-2 घंटे के लिए अगेन एक डार्क वेंटिलेटेड एरिया में छोड़ना है ताकि इसका स्ट्रेस कम हो सके। तो बर्ड को फिलहाल 2-3 घंटे हो गए हैं। देखिए, कभी भी आपको बर्ड कभी रेस्क्यू करा हुआ मिला, मैंने पूरा चेक करा इसकी बॉडी, अगर आप थोड़ा सा टर्न अराउंड होकर देखेंगे, देखो कोई ऐसे विजिबल मार्क्स तो नहीं लगे, और बर्ड थोड़ा सा भी काम हो चुका है।
तो सबसे पहले मैं इसको अभी कुछ डायरेक्टली खाने के लिए अभी नहीं दूंगा, इसको सिर्फ सॉफ्ट फ्रूट्स दूंगा जो इजी टू डाइजेस्ट हो। उसके पीछे रीजन ही होता है, आप ज्यादा हार्ड फूड देंगे, इसको पहले से स्ट्रेस आउट है, डिहाइड्रेटेड, पानी की कमी है, तो वो उसके वजह से इसको और प्रॉब्लम हो जाए। तो थोड़ा सा मैं कम फूड दूंगा और देख सकते हैं बर्ड थोड़ा सा काम हो चुका है, मगर ये आगे टेम नहीं था। मुझे लग रहा है यहाँ हल्का सा कोई निशान दिख रहा, मगर मैंने चेक किया ऐसा कुछ खास निशान नहीं था। बर्ड पूरी तरीके से एक्टिव है, सिर्फ उसने अपनी टेल गंवा दी है, मगर प्यारा बच्चा है। अगर कोई भी बंदा जो अमीरा रोड के अंदर हाथ केश का हो, अगर आपका बर्ड मिसिंग है तो ये है आपका बर्ड, आपका कॉकटिल वाइल्ड है, काटता है, अच्छा खासा उसने बाइट किया था। अगर इसका ओनर मिल गया तो उसके ओनर का हम लोग हैंडओवर कर देंगे, नहीं तो फिर ही बी पार्ट ऑफ माई फैमिली, ये हमारे जितने भी दूसरे बर्ड्स के साथ थे ये भी रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ और इसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।